हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं राजा बेटा को जा रही हूँ मालिश करने। तो वही मैं इनका कपड़ा निकाल रही हूँ। अभी मैंने इनको गुनगुना पानी दे दिया है और एक बादाम भी घिस के खिला दिया है। और मैं इनकी मालिश करूँगी। तो मालिश तो नहीं करवाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उधर ठंडी पड़ रही थी तो मैं तो ऐसे ही बस हाथों पैरों में तेल लगा देती थी गर्म करके। बट अभी आज थोड़ा मौसम ठीक है, धूप हुआ है, तो मैं इनको अच्छे से मालिश कर देती हूँ। क्योंकि नहलाना है तो नहला दे रही हूँ। ठंडियों में भी रोज़ नहीं नहलाती हूँ, दो दिन तीन दिन गैप करके नहला रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाता है इनका, ठंडा लग जाता है। तो इसी वजह से और यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा गुनगुना कर लिया था, गुनगुना करके ही मालिश करती हूँ। और मैं सरसों का तेल ही लगा रही हूँ क्योंकि ठंडियों में से सरसों का तेल ठीक रहता है। तो मैं सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना कर ली हूँ। उसके बाद से मैंने पीछे का लगा दिया था पीठ पिन के तेल, अब मैं आगे लगा रही हूँ तेल। तो गर्मी में तो मैं इनको हिमालय का लगाती थी, बट ठंडी में थोड़ा नहीं ठीक रहता है, ठंडी लग जा रही थी। नारियल का तेल भी नहीं लगाती हूँ अभी। अब फरवरी में स्टार्ट करूँगी नारियल का तेल लगाना। और मुझे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है मालिश की वीडियो डालने का, बट अच्छे से मालिश नहीं करवाते हैं। मैं कैसे इनका वीडियो डालूँ? जैसे मालिश करने बैठती हूँ वैसे उठ उठ के बैठ जा रहे हैं। तो वही मतलब डाल दे रही हूँ, जिन उनको देखना हो देख लेंगे। जिनको मालिश की वीडियो चाहिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट में किया था और बताओ कह रहे थे रिप्लाई करिए मैम, तो देख लेंगे अपना। और यहाँ पे मैंने मालिश करने के बाद सुला दिया था तो सो के उठे हैं तो खेल रहे थे। उसके बाद से मैं यहाँ छत पे आ गई थी, दोपहर हो गया था तो मैं छत पे इनको धूप में लेटा दी हूँ, थोड़ा धूप लग जाएगा। और मैं यहाँ नेल कट कर रही थी और मैंने सोचा कंघी भी कर लूँ, धूप में थोड़ा अच्छा लगता है कंघी करने में। तो देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं। अब मैट बिछा के इनको सुलाया था लेकिन मैट से नीचे आ जा रहे हैं चल चल के। और मैं यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे और अभी शाम हो गया है, शाम के 4 बज रहा है। और राजा बेटा इधर खेल रहे हैं, तब तक मैं ये कपड़े लेके आई थी छत से, आज ही का धुला हुआ कपड़ा था तो मैं इसी को फोल्ड करके रख देती हूँ। और अभी खाना क्या बनेगा इसके बारे में अब जाऊँगी, कपड़े चपत लूँगी। तो
यहाँ पे मैं हूँ किचन में, और मैंने कपड़ा वगैरह सब फोल्ड करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आलू को धो लिया था मैंने, धो के उसके बाद छील लिया था, और फिर से छीलने के बाद भी फिर से दोबारा धो लिया। और मैंने चाय भी इधर रख दिया है, चाय बन रहा है। और मैं आलू बिठा देती हूँ इंडक्शन पर, तब तक उबल जाएगा, तब तक चाय भी बन जाएगा। और आज बेटा को मैंने उधर मम्मी जी के रूम में सुला दिया है, खेल रहे हैं। मैं वहीं पे जा रही हूँ, आटा सान ले रही हूँ। आलू भी बिठा दिया है मैंने, और आलू 2 सीटी लगेगा तो मैं बंद कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो चुका है, और मैं जा रही हूँ मम्मी जी को दे दूँगी, और मैं पी लूँगी। और राजा बेटा को भी मैं सुलाया है, तो मैं देखती भी रहूँगी। और देखिए यहाँ पे आलू बॉयल हो गया था, उसके बाद से मैंने आलू को पहले फ्राई किया, तब जाके मैंने तड़के के लिए प्याज लहसुन सब डाला था। उसके बाद से मैं सब्जी बन के मेरी रेडी हो चुकी है, और मैंने धनिया भी अब डाल दिया है। अब थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, उसके बाद से सब्जी बन जाएगी। और मैं आटा सान के रख दी हूँ, तो जब सब लोग रोटी खाएगा तो तुरंत बनेगा, गर्म गर्म तो खाया जाएगा। तब तक मैं राजा बेटा के साथ खेल रही हूँ यहाँ पे। हाय, कैसे हैं आप लोग? हम लोग का काम हो चुका है, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। हमको खेलना है, हमको मोबाइल चाहिए, बता दीजिए। हमको मोबाइल चाहिए, हमको मोबाइल दे दो मम्मा, हमको मोबाइल दे दो मम्मा, ऐसे बोल दीजिए। और मैं यहाँ पे उनको खिला ली थी, उसके बाद से मैं इनकी कंघी कर दे रही हूँ, क्योंकि नहलाई हूँ। बाल भी धोई थी सुबह से, कंघी नहीं करी थी क्योंकि रोने लगे थे नहलाने के बाद, उसके बाद सो गए थे। उसके बाद उठे हैं तो खेल ही रहे हैं इधर उधर, तो मैं कंघी कर दे रही हूँ। और ये देखिए खड़े हो जा रहे हैं, कंघी पकड़ रहे हैं, इनको कंघी अपने खुद से करना है। कंघी मांग रहे थे कि मैं खुद से करूँगा कंघी, तो मैं ये सब कहने के चक्कर में भूल ही जाती हूँ कि आप लोग से नहीं कहती, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, और वीडियो फुल वॉच करिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा था ना, तो अलमारी मैंने नहीं रखा था, ये सोफे पे रख दिया था, तो वही मैं अंदर रख दे रही हूँ। और इसी के साथ वीडियो के एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।